नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि WDP-3A लोकोमोटिव को टोस्टर क्यों कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि WDP-3A लोकोमोटिव को टोस्टर क्यों बोला जाता है। दोस्तों, WDP-3A लोकोमोटिव, जिसे कि 1998 में DLW के द्वारा बनाया गया था, जो कि 3100 हॉर्स पावर की है। दोस्तों, यह एक एल्को बेस्ड लोकोमोटिव है, जिसे टॉप स्पीड देने के लिए एरोडायनामिक लुक दिया गया है, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने में सक्षम है। दोस्तों, एल्को बेस्ड होने के कारण इसमें डिजाइन करके दोनों साइड ड्राइविंग कैब दिया गया है। दोनों साइड ड्राइविंग कैब होने से सुविधा तो जरूर मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसमें लगे रेडिएटर को लेकर, जो कि एक साइड ड्राइविंग कैब के जस्ट पीछे हो गया। चूंकि रेडिएटर का काम है इंजन की गर्मी को बाहर निकालना, तो रेडिएटर लोको कैब के पीछे होने के कारण इंजन की गर्मी लोको कैब में आने लगी, जिससे लोको पायलट को इस लोकोमोटिव में रह पाना मुश्किल हो जाता है। वह इंजन की गर्मी से पूरी तरह से पक जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह टोस्टर में ब्रेड पक जाता है। दोस्तों, इसीलिए इस लोकोमोटिव को लोको पायलट के द्वारा टोस्टर नाम दिया गया है। दोस्तों, इस लोकोमोटिव का कंपेयर अगर आप दूसरे लोकोमोटिव जैसे कि DMW सीरीज से करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसका रेडिएटर लोको कैब से बहुत दूर है। ठीक इसी तरह WDP-4D में भी रेडिएटर को मिडिल में दिया गया है, जिससे लोको पायलट को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, WDP-3A लोकोमोटिव में रेडिएटर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि DMW पटियाला के द्वारा ऐसे कुछ लोकोमोटिव में मॉडिफिकेशन करके उन्हें कंफर्ट राइड के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि WDP-3A लोकोमोटिव को टोस्टर क्यों बोला जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।